ये इतिहास गवाह है जिसने जनता को कुचलने का काम किया हो जनता ने उसे दबता नहीं है। बेशक ये इन्होंने क्या किया देखिए, क्या नोटबंदी हो, जीएसटी हो, मीटबंदी हो, न जाने क्या क्या इन्होंने यहाँ किया हो, लेकिन जनता बड़ी महान है। ये हर 5 साल में फैसला करती है इनका। हम तो उत्तर प्रदेश से आते हैं साथियों, हमने देखा 10 वर्ष पहले मायावती उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से थी और उनके बाद अखिलेश जी पूर्ण बहुमत में थे, जनता ने ऐसा पटका धूल चटा दी। इनकी औकात क्या है, इनको भी धूल चटाएगी अगर जनता के खिलाफ फैसला करेंगे साथियों। और बताया लेकिन गौर करिए, जीने का हक छीन रहा है वही नरेंद्र मोदी, जीने का हक छीन रहा है वही नरेंद्र मोदी। ये देश की धरती पर वैसे ही नहीं आ गया, इसे लाया गया। कौन लेकर के आए बताया, यार बनाया मोदी, टीवी अखबारों ने तो अवतार बतायो मोदी। तरक चपकते कर दे पार बतायो मोदी, जैसे भंग पड़ी बस मोदी मोदी मोदी, पर भारत की जल खोदी है, पर भारत की जल खोदी जब धरती पारो मोदी, छीने का हक छीन रहा है वही नरेंद्र मोदी, छीने का हक छीन रहा है वही नरेंद्र मोदी। सरकार ने मार किराए मंदसौर में हत्यारी। साथियों, मध्य प्रदेश के अंदर किसान इस तरह आंदोलन कर रहे थे, वहां की सरकार ने क्या किया बताया, गया मोदी, जीने का हक छीन रहा है वही नरेंद्र मोदी, जीने का हक छीन रहा है। नौजवानों के लिए भी कहा था कि अगर मैं गद्दी पर आता हूँ तो 2 करोड़ नौजवानों को पिट्टी वर्क रोजगार दूंगा। अब कितने नौजवानों को दे दिए समझो, लगे लगाए नौजवानों को छीन लिया इन्होंने, कैसे रोजगार सब खत्म, कहां ये नौजवान जाएंगे, सिर्फ संविदा ठेके पर या मान दे पाएंगे, सिर्फ संविदा ठेके पर या नहीं पाएंगे, परमानेंट नौकरी
बच्चों पढ़ा ये उल्टा पाठ पढ़ाया, इंसानों के बच्चों पढ़ा ये कबर भी खोली, जीने का हक छीन रहा है वही नरेंद्र।